आप सबको प्रणाम। खास करके यूपी टीईटी 2019 वाला जो मामला आप लोगों का था, उस मामले को एक बार आप लोग नोटिस करिएगा, ठीक है। जो 5 फरवरी को जो आप लोगों का आर्डर हुआ था, उस आर्डर में एक समस्या खड़ी ये हो रही है कि जो सूची, मतलब पहले ही आप लोगों को अवगत कराया गया था कि भाई अगर आप लोगों को रिजल्ट लेना है तो आप लोग अपने तरीके से तैयार हो जाएं, तैयार होकर अपना रिजल्ट ले सकते हैं। तो कोर्ट की जो प्रक्रिया है, अगर आपको लगता है कि मतलब अपने वकील से नहीं करवाएंगे, तो ठीक है, जब आप लोग इतना धोखा दे सकते हो अपने वकील से नहीं करवाओगे तो किसी अन्य वकील से करवा लो, खर्चा तो आपका कहीं भी लगना है, ठीक है। और गैप जो है, गैप वो 6 महीने से ऊपर हो चुका है। अब आयोग की तरफ से ये सुनने में आ रहा है कि आयोग कह रहा है कि उनकी सूची आज तक जब सौंपी नहीं गई तो हम रिजल्ट क्या वितरण करेंगे, हम रिजल्ट क्या देंगे। और एक चीज़ सोचो, आप लोगों के दिमाग में एक भ्रम बैठा हुआ था कि ये सब सत्येंद्र भाई ऐसे बहका रहे हैं, मामला बस कोर्ट से आर्डर हो गया, नंबर फटाक से मिल के आ जाएगा। कितने दिन हो गए, 6 महीने से ऊपर हो गए ना, आज तक नंबर नहीं मिला ना, वो कभी नहीं मिलेगा, निश्चिंत रहो। रीज़न क्या है कि ये पहला मैटर ऐसा हो रहा है कि मतलब लड़कों को जीत मिल गई है, लड़के नंबर लेना नहीं चाहते। और ये स्थिति रही तो आने वाले फ्यूचर में जितने भी छात्र होंगे, ऐसे मुद्दों में जब भी लड़ाई लड़ेंगे, उनके साथ समस्या खड़ी होगी कि माननीय कोर्ट भी ये बात कह देगी कि छात्रों को ऑर्डर देने के बाद भी छात्र रिजल्ट लेने नहीं जाते, और आयोग को भी ये पॉइंट मिल जाएगा कि साहब छात्र होते ही गलत हैं। तो मतलब इतनी बुरी कंडीशन मैंने कभी नहीं देखी थी। लोगों को एक भ्रम था, जैसे आप लोगों में ये भ्रम है कि मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ और मुझे यूपीटेट वाले रिजल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे आप लोग बैठे रहेंगे ना तो आपको सच में नहीं मिलेगा। ये भ्रम पाले कि नहीं, हम घर में बैठे रहेंगे रिजल्ट आ जाएगा। इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दिया करिए आप लोग। इधर पेपर में न्यूज़पेपर आया हुआ है, वैकेंसी आने की चांसेज हैं। तो जो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, जो लोग नौकरी पेशा करने लगे हैं, बिजनेस करने लगे हैं, वो लोग हो सकता है कंपटीशन नहीं कर पाए, लेकिन कुछ लोग तो इस भर्ती में शामिल होना चाहेंगे ना। तो भर्ती आ रही है तो भर्ती में शामिल होना है तो रिजल्ट भी होना चाहिए। तो जिसके पास रिजल्ट है तब तो ठीक है, और नहीं है तो भैया यूपीटेट का रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। और एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि आजकल एक अनिवार्यता घोषित की जा रही है कि कुछ चीज़ों में सीटेट की अनिवार्यता होगी, कुछ चीज़ों में यूपी टीईटी की अनिवार्यता होगी, ऐसे जाके तब शिक्षक भर्तियां कंप्लीट होंगी। तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि ये नियम भी लागू हो जाए, फिर आप लोग घंटा हिलाते रहना बैठ के, तो कंफ्यूज जीवन भर रह जाएंगे आप लोग। तो लास्ट अपडेट मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो 2019 वाला मामला आप लोगों ने जीता हुआ है, उस मामले को अपने कोर्ट में फटाक से करवाना है, उसको मतलब प्रक्रिया करवा के आयोग को सूची सौंपनी है और सौंपवा के अपना दे देना है कि भैया तुम रिजल्ट बना के छात्रों को प्रोवाइड करवा दो, वो तभी करेगी, घर बैठने से नहीं होगा। और मैंने भी इसलिए छोड़ दिया था कि जब आप लोगों को फिक्र नहीं है तो हम क्यों फिक्र करें, आप लोग भी रियलिटी देख ही लीजिए। जैसे आप लोगों को लगता था ना कि मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, तब तो सबके सामने है, सबको लग रहा था कि बस यूं ही नंबर मिल जाता है। जानते उनते हो नहीं यार, हमारे जैसा पागल है कि एक एक चीज़ें समझाता है आपको कि ऐसे नहीं ये होता है, वैसे नहीं ये होता है। ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए समझाता हूँ कि कम से कम सारी जानकारी जानी है, और मैं इतना डिटेल डिपली बता देता हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। आप लोग हर चीज़ घर में बैठ के बस फोकट में ढूंढते हैं, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और ये 2019 वाले मुद्दे पर ये मेरा आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद देखिए, ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ आके आपको जगाता रहूं कि हाँ भैया बाबू सोए हैं जग जाओ। वीडियो बना दिया है, वीडियो में अपडेट दे रहा हूं, अपनी प्रक्रिया पूर्ण करवाइए। 6 महीने बीत चुके हैं, 7वां महीना चल रहा है, अगर ऐसे सोए रहेंगे तो बस अब काम ख़त्म होने वाला है। आयोग भी कह रहा है कि अब हम जब मर्जी तब थोड़े देंगे। तो भैंस की तबेले वाली कहानी याद रखिएगा कि भैंस का तबेला नहीं है वो, माने उत्तर प्रदेश का आयोग है, ठीक है। तो इन सब मुद्दों पे बहुत ज़्यादा मतलब निगेटिव पॉइंट सोचने से बेहतर है कि पॉजिटिव सोचा करिए और अपने काम को तत्काल भाव से करवाइए। और मैं ग्रुप में सबको एक्टिव करूँगा, ग्रुप में एक्टिव होकर अपनी प्रक्रिया करवा के उससे कंप्लीट आप लोग करवा लीजिए, ठीक है। ये खास करके अपडेट यूपीटीईटी 2019 वाले मुद्दे के लिए था, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, गलती से भी मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।